हेलो बच्चों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, नेम रिएक्शन की सीरीज। ठीक है ना? तो उसमें जो मैं पहला चैप्टर वो है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरीन। तो अभी जहाँ पर भी अगर रूल भी आ रहा है तो उसमें भी बना रहा हूँ। जैसे अब देखिए, इस चैप्टर का मैंने लिया मार्कोनिकॉफ्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल रीजन, देखो लिखा है व्हेन अनसिमेट्रिकल रीजन एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्किन, देखो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गेट्स अटैच टू दैट अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम, ठीक है ना, विच कैरीज लेसर नंबर। देखो ये भी अनसेचुरेट कार्बन है, ये भी अनसेचुरेट, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो है। जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ पर जाके ये अटैच होता है, और आपका पॉजिटिव पार्ट जाके अटैच होगा जिसके ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ का नेगेटिव, ये जो है ना लोन आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि ये इसके असली इलेक्ट्रॉन ही नहीं ना, एच प्लस डेफिशिएंट है, इसलिए ये जाके इलेक्ट्रॉन उसको देगा और बना लेगा वो बॉन्ड। तो ये बन गया आपका टू क्लोरो प्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट है। और अगर इसके रूल के ऑपोजिट जाएंगे, मतलब नेगेटिव पार्ट इधर अटैच करूंगा ये इधर उल्टा, तो बनेगा आपका वन क्लोरो प्रोपेन। तो ये आपका यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होगा, सॉरी ये यहाँ पर होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर ये रहेगा, माइनर ये है। तो रूल अप्लाई करने कभी भी याद रखना, जब रूल अप्लाई करते हैं दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है ना, ऐसा ये आपको ऐसा ध्यान रखना है। देखिए तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ, समझ आया ना। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच टू दैट कार्बन आइटम, दैट अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये एच उसके ऑपोजिट साइड। तो ये बन गया आपका मार्कोनिकॉफ से मेजर प्रोडक्ट, और ये मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला रूल, नोट डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल। आप चाहो तो मैं दूसरा एग्जाम्पल ही बना सकते हैं इसके अंदर, ये एक एग्जाम्पल हुआ, एच से लिया, आप एच बी आर ले सकते हैं, आप एच आई ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखो, अभी मैंने यहाँ पे लिया एच बी आर ले लिया, आप देखो तो यहाँ पे हो जाएगा टू ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमीन, तो वन ब्रोमो प्रोपेन, देख लीजिए नाम बदल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू ब्रोमो प्रोपेन। ये अब यहाँ पर हो गया मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर, और इस रूल के ऑपोजिट ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, तो वन ब्रोमो प्रोपेन, ये देख लीजिए बन गया। अब आपने क्या लिया, एच आई ले लिया, देखो एच आई लिया, तो देखो अभी यहाँ बनेगा आयोडीन आ जाएगा इधर, और इधर आयोडीन आ जाएगा, तो अब यहाँ पे नाम बदल जाएगा टू आयोडो, ये मेजर प्रोडक्ट है, तो टू आयोडो प्रोपेन। यहाँ पे हो जाएगा वन आयोडो प्रोपेन, ये देख लीजिए माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो अब ये मार्कोनिकॉफ उसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। अब हम देखते हैं इसी में, इसी का एक पार्ट है परऑक्साइड इफेक्ट, इसी में लगाते हैं हम लोग, तो वो दो एक साथ कवर हो जाते हैं, एक के पीछे एक लिंक में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। तो मार्कोनिकॉफ में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूज़ करते हैं। वो पहले इसमें प्रोटॉन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, उसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोल सकते हैं इसको, और हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हैं इसी को, हम और एक नाम दे सकते हैं इसको, बोलते हैं मायो खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट होगा, लेकिन ये जो इफेक्ट है सिर्फ यूज होगा ओनली फॉर, ध्यान देना, ये जो इफेक्ट होगा ओनली फॉर एच बी आर, याद रखना है, नॉट फॉर, ध्यान देना, नॉट फॉर, किसके लिए नहीं है, एच आई एंड एच सी एल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से देख लीजिए, किस लिए एप्लीकेबल, ओनली एच बी आर, नॉट फॉर एच आई और एच सी एल, क्योंकि इसकी जो एनर्जी एच बी आर की वो फ्री रेडिकल के साथ मैच हो जाती है। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एच बी आर लिया मैंने यहाँ पर, एच बी आर,
ठीक है। अब यहाँ पर एरो पे परऑक्साइड लेना पड़ेगा, परऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या कहते हैं, एंटी मार्कर, उल्टा जो नेगेटिव रहेगा रिएजेंट वो कहाँ पे ले जाना आपको, जिस कारण के सबसे कम ज़्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव उसके ऑपोजिट को, हो गया कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा बॉन्डिंग के लिए। अब यहाँ बनता है आपका CH3CH2CH2Br, ये यहाँ पर बना वन ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। क्या बन गया यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट। और मार्किन को फ्लू लगा दिया तो फिर बनेगा यहाँ पर टू ब्रोमो प्रोपेन, दिख रहा है, ये बना आपका टू ब्रोमो प्रोपेन। ये यहाँ पर हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ, अगर मैं परऑक्साइड हटा देता हूँ तो अभी ये हो जाएगा मेजर, ये माइनर, परऑक्साइड लगा देता तो ये माइनर और ये मेजर, देख लीजिए अब एक दूसरे का ऑपोजिट और दोनों। तो यहाँ पर जो होगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, पर मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल भी हो गया और एंटी मार्कोनिक ऑफ भी हो गया इसमें, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब उसका एक और एक देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लुकास टेस्ट, नेम में आ रहा है ना, लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट क्या होता है देख लीजिए पहले, लुकास रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, लुकास रिएजेंट। अब देखो, अल्कोहल रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड, बराबर है कि नहीं। अगर आपने अल्कोहल लिया ROH, अल्कोहल को किससे लिया, कि हमने HCl के साथ किया, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस के लिए हमने यहाँ पे ZnCl2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस H2O बाहर निकलेगा। देखो ये इनसॉल्युबल अल्काइल क्या बन गया, क्लोराइड, एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस अपीयर्स एज वाइट टर्बिडिटी, ये आपको वाटर में इनसॉल्युबल और ये आपको एज अ वाइट टर्बिडिटी दिखेगा, ऐसा क्लाउडी जैसा दिखेगा। एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स HCl, मतलब टर्शियरी अल्कोहल फास्ट रिया करेगा HCl के साथ, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी अल्कोहल, तो अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बेस्ड है, टर्शियरी अल्कोहल फास्ट रिया करेगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए, इफ टर्बिडिटी, मतलब जैसे मैंने अल्कोहल में क्या ऐड कर दिया, लुकास रिएजेंट, तो देखो इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली द अल्कोहल इज टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद फिर देखो, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन फ्यू मिनट्स, 5 से 10 मिनट के अंदर मिल गया, तो अल्कोहल इज सेकेंडरी। इफ टर्बिडिटी ओनली अपॉन हीटिंग द अल्कोहल इज प्राइमरी, क्योंकि अल्कोहल लेस रिएक्टिव होता है, उसमें अंदर आपने अगर आपने लुकास रिएजेंट डाल भी दिया तो रिएक्शन होने वाला नहीं है, तो उसको हीट करने के बाद ही वो रिएक्शन, इतना लेस रिएक्टिव होता है वो, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लिया, अब हमको मालूम नहीं कौन सा अल्कोहल है, इसमें मैंने डाल दिया क्या, लुकास रिएजेंट। अब हमको लुकास रिएजेंट मालूम है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड को, जैसे डाला उसके अंदर, तो अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, पहले क्लियर सोल्यूशन है बिल्कुल, ऐसा वाटर से दिखता है थोड़ा सा, अगर वहाँ से देखो ब्लैक वाइट मास दिखेगा तो मतलब वो टर्बिडिटी बोलते हैं इसको, तो इमीडिएटली दिखा तो टर्शियरी अल्कोहल, विद इन फ्यू मिनट्स दिखा तो सेकंड अल्कोहल, और हीटिंग करने के बाद दिखेगा तो प्राइमरी अल्कोहल। ये ऐसा टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लुकास टेस्ट अच्छी तरह से कर लीजिए, तो ये दो हो गए, ठीक है ना। अब दोनों को अच्छे से कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, ओके, आप देखते हैं फिनक्लिस्टरीन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अल्काइल क्लोराइड लेना या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, मतलब हेलोजन आपको क्लोरीन और ब्रोमीन, और ये आयोडीन इस हेलोजन को रिप्लेस करेगा, ये हेलोजन इधर आ जाएगा। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को किससे रिया करना है, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया मिथाइल क्लोराइड को रिया किया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो देखो आयोडीन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और बनेगा मिथाइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। अब जैसे दूसरा रिएक्शन देखो, अभी मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया और हेलोजन चेंज करूँगा, CH3CH2Br, देखो अल्काइल भी चेंज और हेलोजन चेंज, सिर्फ हेलोजन दो ही ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड तो आपको बनाना है, फ्लोरीन से बनता नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन किया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई
एसीटोन, ठीक है ना। तो अभी देखिए आयोडीन इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया था, अब यहाँ से क्या बन गया आपका सी एच थ्री सी एच टू आई प्लस एन ए बी आर, ये ऐसा बनेगा। मीन्स अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन गिव अल्काइल आयोडाइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, एग्जाम्पल बता दिए, अब कोई भी एग्जाम्पल आएंगे वो जरा ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए बस। इससे सिर्फ अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनेगा, और हम अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड तो ले ही रहे इसके अंदर, तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, नेम रिएक्शन। तो अभी आज का वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलता रहेगा अब ये सीरीज, ठीक है, आप करते रहिए बस, और कमेंट्स में बताइए कितना समझ आ रहा है, कितनी आ रहा है, मैं बता जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए ओके।